दोस्तों, तो आज संचयस किचन में बन रही है बैंगन और आलू की सूखी वाली भुजिया। और इसमें बिल्कुल भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इतनी बढ़िया बनेगी ये सब्जी कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। इस तरीके से आपको सारे बैंगन को काट लेना है। आलू को भी हम लंबा लंबा काट लेंगे। देख सकते हैं आप किस तरीके से काटना है। इस तरीके से आप बीच से चीरा लगाकर फिर इस तरीके से काट लें। ये आलू और बैंगन की भुजिया इतनी मस्त लगेगी कि आपको खाकर एकदम से स्वाद आ जाएगा। और अगर आपको बैंगन पसंद नहीं है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरह से सब्ज़ी बनाकर, आपको वाकई ये स्वादिष्ट लगेगी। इसी तरीके से हमें सारे बैंगन और आलू को काट लेना है। अब हमने एक कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। आप चाहे तो रिफाइन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सरसों तेल से बहुत ही चटाकेदार स्वाद आता है। अब इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा और थोड़ा सा मेथी के दाने। अब इसे अच्छी तरीके से चटक जाने दें। तेल हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे अपना आलू और बैंगन। आलू बैंगन को हमने अच्छे से धो भी लिया है, तो आप भी धो लीजिएगा। साथ ही में हम इसमें डालेंगे 3 कटे हुए हरी मिर्च। मिर्च को आप ज़्यादा या कम अपने स्वाद के हिसाब से कर सकते हैं। साथ ही में इसमें डाल दें 1 टमाटर। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ऐसी सब्जी जब आप बनाइएगा ना, तो आपके घर में जो लोग बैगन को छूते भी नहीं है उन्हें भी बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से रेसिपी समझ आए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी इसमें कमी जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मिला लेने के बाद हम किसी छन्नी से इसे ढक के कवर करके आराम से 10 मिनट तक कुक होने देंगे। आपको बीच बीच में एक दो बार चला भी लेना है। अब इसे बीच बीच में चलाते भी रहिएगा। सब्जी को 5 मिनट हो चुका है, इसे चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारे टमाटर गल गए हैं, मगर आलू और बैंगन अभी थोड़ा और सीझेगा, तो इसे फिर से कवर करके 5 मिनट के लिए और कुक होने देते हैं। चलिए, तो फिर से 5 मिनट हो गए, मतलब टोटल कुक होते हुए से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छे से चला लेते हैं। देख सकते हैं सब्जी हमारी कितनी अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपके पास गरम मसाला नहीं हो तो आप मैगी मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में इसमें डालेंगे कलर के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है। इसे मिक्स कर लेते हैं। सब्जी कुक हो चुकी है, तो ऐसी मज़ेदार रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।